डैड का कॉल. 256 मिस कॉल्स ऑलरेडी. लगता है डैड बहुत ज्यादा वरिड है. काश इतना वरिड आप मेरे यहाँ आने के टाइम पे होते. ना मुझे ये ड्रामा करना पड़ता और ना कुछ होता. I'm sorry, Dad, I can't pick your phone up. मैं तो बेहोश हूँ ना. मैं बेहोशी की हालत में कैसे उठाऊंगी. Yes. यार यार फोन नहीं उठा रही है. रुक मैं ट्राई. आप चेक कीजिए ना प्लीज थोड़ा. रख लीजिए. थैंक यू. नहीं लग रहा है. फोन नहीं लग रहा. शायद फोन बंद करके रखा उसने. शिट. पता नहीं. चल कैंप की तरफ चलते हैं. एक्सक्यूज मी, आपने प्राची अरोड़ा को देखा है कहीं? एक्सक्यूज मी, कैंप ऑफिस कहाँ है? जी उधर है. उस तरफ? जी सर. ओके थैंक यू. वो वहाँ है. थैंक यू. थैंक यू. आपकी कंडीशन समझ सकते हैं. रिया का कुछ पता चला? नो सर. क्लिफ कहाँ है? उस साइड में सर. मैंने अपने बेस्ट टीम को काम पर लगा दिया है. वो पूरा हिल एरिया सर्च करेंगे पर हिल के दूसरे साइड नहीं जाएंगे क्योंकि वहां जाना अलाउड नहीं है. हम वहां तभी जाएंगे जब हमें यहाँ इस एरिया में कुछ नहीं मिलेगा. बस बस कुछ नहीं होगा. मैं आ गई हूँ ना. कुछ नहीं होगा. शाहना रो मत ना. सब सब ठीक है. आपको यहाँ से फोन आया था? नहीं बस मुझे मुझे पता था तुम लोगों को मेरी जरूरत है. कुछ नहीं होगा. रोना नहीं. कुछ नहीं होगा. प्लीज बोलो. आप प्राची की मॉम हैं? जी बाप. नमस्ते. आप प्रिंसिपल सर हैं? जी. आई एम सॉरी हमने आपको इन्फॉर्म नहीं किया. लेकिन हमने पुलिस को भी इन्फॉर्म नहीं किया है क्योंकि हम चाहते थे कि पहले रेस्क्यू टीम की रिपोर्ट आ जाए उसके बाद किसी को इन्फॉर्म किया जाए. क्योंकि अगर हम पुलिस को इन्फॉर्म करते तो शायद पुलिस प्राची को पुलिस स्टेशन ले जाती इन्वेस्टिगेशन के लिए. और हम नहीं चाहते थे कि किसी बच्चे का भविष्य खराब हो. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. ये देखिए इस मोबाइल में कुछ पिक्चर्स हैं. लेकिन अगर रेस्क्यू टीम ने प्राची को दोषी पाया तो आई एम सॉरी हम खुद पुलिस से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले. पर मैंने कुछ नहीं किया है माँ. मैंने कुछ नहीं किया है. ये सब पता है बेटा. तूने कुछ नहीं किया. तू मेरी बेटी है. मैं जानती हूँ. किन तेरा झगड़ा हुआ था रिया से? माँ माँ उसने मुझसे झगड़ा शुरू किया था पर मैंने उसे कुछ मैंने कुछ नहीं किया. और प्राची का कहना है कि उसने रिया को धक्का नहीं दिया. लेकिन डिम्पी की फोटो से साफ जाहिर हो रहा है कि उसने ही रिया को पुश किया था. नहीं रिया ने मुझे पुश किया था सर. अगर रिया ने तुम्हें पुश किया होता रेस्क्यू टीम तुम्हें ढूंढ रही होती और रिया यहाँ खड़ी होती. इस बात पे इससे ज्यादा हम आर्ग्यू नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास इनफ एविडेंस है. आई होप कि सब कुछ ठीक हो. रिया ठीक ठाक मिल जाए. बिकॉज यही तुम्हारे लिए ठीक होगा हमारे लिए ठीक होगा और इस कॉलेज के लिए भी ठीक होगा. रिया के फादर आ गए लेकिन वो सीधा क्लिफ पॉइंट चले गए हैं. ही मस्ट बी एंग्री. हमें वहां नहीं देखेंगे तो ज्यादा नाराज होंगे. मेरी मम्मी का फोन है. आई विल बी बैक. उसकी मॉम मेरी मासी है. ए बेब्स कैसा चल रहा है वहाँ? पूरा फिल्मी सीन चल रहा है यहाँ पे. पता है जैसे स्क्रिप्ट लिखी थी ना बिल्कुल वैसा ही हो रहा है. तो तुम्हारे कहने का मतलब है प्रिंसिपल ने प्राची की बैंड बजाई? खूब सुनाया उसे. और अब सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं. सबको लग रहा है कि तुम्हें कुछ हो गया है. लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा. अगर मैं कभी किसी को मिली तो छोटी मोटी चोट लगा लूंगी. व्हाट मतलब तुम अपने आप को हर्ट करोगी? व्हाट रबिश. तुम्हें लगता है रिया मेरा अपने आप को हर्ट करेगी? नो वे. जब मुझे कोई मिलेगा तो हाँ ऐसे अपने ऊपर धूल लगा लूंगी या कुछ कर लूंगी जिससे लगे कि मुझे बहुत चोट लगी है. तुम्हारे डैड आ गए रिया. लिसन तुम्हारे डैड आ गए रिया. वो क्या कर रहे हैं? इज ही क्राइंग? क्या वो बहुत ज्यादा परेशान है? पता नहीं अभी तक हम उनसे मिले नहीं हैं. पर जैसे वो यहाँ आए तुम्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े. आई थिंक वो वहीं गए हैं जहाँ पे तुम गिरी थी. आई मीन जहाँ पर तुमने गिरने का ड्रामा किया था. ओके ओके ओके.
आई नो माई डैड आते ही मुझे ढूंढने निकल पड़े होंगे. आई वंडर नाउ हाउ ही मस्ट बी फीलिंग. बुरा तो लग ही रहा होगा उन्हें. सोच रहे होंगे कि ट्रिप पे जाने से पहले उनको मुझसे बात कर लेनी चाहिए थी. आई नो हिम ही मस्ट बी फीलिंग वेरी गिल्टी. तुम्हारी माँ कहाँ है? क्लिफ की तरफ जहाँ से रियान. झूठ बोल रही हो तुम. मैं वहीं से आ रहा हूँ. तुम्हारी माँ वहाँ नहीं है. मैं उससे मिलना चाहता हूँ. पूछना चाहता हूँ कि यही सिखाया उसने तुम्हें? लड़ाई झगड़ा समझ में आता है पर तुमने क्या किया? मुझे लगता था कि तुम अच्छे घर से अच्छे संस्कार मिले तुम्हें, लेकिन तुमने मेरी बेटी को. इतना गुस्सा कहाँ से आ गया तुम्हें? इतना बुरा कैसे सोचने लगी तुम अभी ऐसे बनी या मैंने तुम्हें पहचानने में गलती की? सर, मैं... तुम जानती थी ना कि वो मेरी बेटी है. वो जिसने हर बार तुम्हारी हेल्प की, जिसने हर बार तुम्हारा साथ दिया. तुम्हारे लिए मैंने अपनी बेटी का दिल दुखाया और तुमने मेरे साथ. तुम जानती हो ना कि वो मेरा सब कुछ. मैं नहीं जी सकता उसके बिना. ये जानती थी ना तुम. उसके बावजूद तुमने जाकर वो सब कुछ किया. क्यों? क्यों? Tell me why? मानता हूँ कि एक दो बार उसने तुम्हारे साथ गलत किया पर वो जिद्दी है, शॉर्ट टेम्पर्ड है. पर तुमने उसके साथ जो किया ना, तुमने सही हद पार कर दी. उसकी जान लेने की कोशिश की तुमने. माना कि रिया में कुछ कमी है. जब मैंने तुम्हें देखा तब मैं यही सोचता था कि काश मेरी बेटी तुम्हारी तरह होती. लेकिन अब मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ क्योंकि रिया जैसी भी है ना वैसी दिखती है, लेकिन तुम जैसी दिखती हो वैसी हो नहीं. तुम जितना अच्छा बनने का नाटक करती हो ना उतनी अच्छी हो नहीं. तुम जितना बेचारी बनने का एक्टिंग करती हो ना उतनी बेचारी हो नहीं. तुम बेसिकली जो हो ना वो दिखते नहीं हो तुम. पता है तुमसे गलती नहीं हुई है. क्राइम हुआ है, क्राइम. इस सब में गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तुम्हारी माँ की है. उसने अगर तुम्हें अच्छी परवरिश दी होती तो. प्लीज मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहिएगा. तुमसे कोई बात नहीं होगी. अब जो बातें होंगी ना तुम्हारी माँ के सामने होगी. क्या कर रही हैं मैम आप? प्लीज पीछे आइए, यहाँ बहुत ज्यादा फिसलन है, आप नीचे गिर सकती हैं. प्लीज पीछे आइए प्लीज. मिस्टर मेहरा कहाँ है? वो तो यार आपने कहा ना, वो कहाँ है वो? मैडम वो आए थे मैडम और हमसे मिले भी. जब मैंने यहाँ के बारे में उन्हें बताया तो वो आपके बारे में पूछने लगे. फिर मैंने उन्हें कैंप ऑफिस में भेज दिया. मैं जाकर भाई साहब आप लोगों को रिया मिले? नहीं, हमने नीचे हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली. और अगर वो नहीं मिली इसका मतलब नहीं. आप लोगों ने ठीक से नहीं ढूंढा. मैं आप लोगों के साथ चलती हूँ. आप लोग मेरे सामने ढूंढिए, मैं आपके साथ ढूंढूंगी. आप नहीं ढूंढ पाएंगे. हम गाँव वालों को यहाँ का चप्पा चप्पा पता है. उसे कोई जंगली जानवर ले गया होगा और उसे मार के. चुप हो जाइए प्लीज. चुप हो जाइए, क्या बोल रहे हैं? यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर. वो लड़की गिर के या तो बेहोश हो गई होगी या उसके हाथ पैर टूट गए होंगे जिसे वो खुद को बचा नहीं पाई और किसी जंगली जानवर ने उसे मार के. प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ के चुप हो जाइए प्लीज. कहाँ है तुम्हारी माँ? सर प्लीज प्लीज मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलिए. उनकी कोई गलती नहीं. तो फिर किसकी गलती है? मेरी बेटी को तुमने धक्का मारा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी परवरिश ठीक से नहीं की, तो फिर गलती किसकी है? कल मेरी बेटी को कुछ हुआ ना मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं जो भी करूंगा ना तुम्हारे और तुम्हारी माँ के लिए बहुत बुरा होगा. सर प्लीज मेरी माँ की कोई गलती नहीं है इसमें. अगर उनकी कोई गलती है ना तो बस इतनी कि उन्होंने मुझे यहाँ इस शहर में भेजा. कह रही थी मुझसे मत जा दिल्ली, कुछ नहीं है इस शहर में. ये शहर तुम्हें कुछ देगा तो दुख और तकलीफें देगा, पर फिर भी मुझे उन्होंने यहाँ भेजा. पता है क्यों? मेरी खुशी के लिए, मेरे सपनों के लिए और मेरे फ्यूचर के लिए. सर मेरी माँ ने उनकी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं. सर आप प्लीज नहीं करोगे इतने दुख देखे. और अब मैं उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहती. मेरी वजह से तो बिल्कुल नहीं. मेरी माँ ने मुझ पे बहुत अच्छे संस्कार किए हैं सर. पता है इस ट्रिप पे आने से पहले मुझसे कहा उन्होंने कि रिया से कोई झगड़ा मत करना. वो कुछ भी कहे कुछ भी बोले ना तो बहन समझ के माफ कर देना. पर शायद सर रिया को मैं पसंद ही नहीं हूँ. जब भी मिलती है ना झगड़ा करती है, कुछ ना कुछ बोलती है. बताए उसने मुझसे क्या कहा?
उसने मुझसे कहा कि मैं आपको उससे दूर कर रही हूँ। आप ही बताइए सर, मैं ऐसा क्यों करूंगी? और फिर कहती है कि मैं अपनी माँ की लायक नहीं हूँ, उनकी कोई और बेटी होनी चाहिए थी। मैं कितना सुनूंगी सर? आ गया गुस्सा, हो गया झगड़ा, पर मैंने उससे धक्का नहीं दिया। उसने शुरुआत की, उसने मुझे धक्का दिया, देती रही। मैंने बस उसे एक थप्पड़ मारा और वहां से निकल गई। ये जो तुम नाटक कर रही हो, इसमें तुम गिर जाती, तुम्हें चोट लग जाती तो तुम्हें कुछ हो जाता, तो तुम्हारे डैड जिनके बारे में तुम ये सब कह रही हो उनपे क्या गुजरती? मीरा जो तुम्हें अपनी सगी बेटी जैसा प्यार करती है उसपे क्या गुजरती? और प्राची जिंदगी भर उस पर ये इल्जाम रहता कि उसने तुम्हारे अलावा चार चार और जिंदगियां तुम बर्बाद कर रही थी। किसी की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी नजर में। एक जिंदगी मिलती है हमें, उसकी वैल्यू करना सीखो, वक्त है। सुधर जाओ वरना बिना हक के मैं सुधार दूंगी। मेरे लिए जैसी प्राची है ना वैसी तुम। बस 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 हो गया ना, ठीक है अब रो मत। ऐसे थोड़ी होता है, पहले बच्चों जैसी गलतियां करते हैं फिर बच्चों जैसे रो, ये क्या तरीका है? बच्ची वो तो बच्चों की तरह चुप कर आई है ना। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता कि यह गलती मैं दोबारा करूंगी या नहीं करूंगी, बट प्लीज अभी माफ कर दीजिए प्लीज। तो फिर क्या करें, कंप्लेंट वापस ले लें? कंप्लेंट वापस लेनी ही पड़ेगी। रिया बिल्कुल ठीक है और मिस्टर मेहरा उसके बिहाफ पे माफी मांग ही चुके हैं। और मिस्टर मेहरा हमारे कॉलेज के ट्रस्टी हैं। इतनी माफी मांगने के बाद कोई एक्शन लेने का सवाल ही नहीं उठता। आप सभी स्टूडेंट्स को बता दो, ट्रिप कंप्लीट करके ही जाएंगे। अच्छा हुआ तुम मुझे यही मिल गई। रिया इज फाइन, उसे कुछ नहीं हुआ है। शी इज ऑलराइट। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें इतना सब कुछ कहा, मुझे नहीं कहना चाहिए था। सर 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 प्लीज आप सॉरी मत कहिए, मैंने आपकी सारी बातें सुनी। आई कैन अंडरस्टैंड आप पे क्या बीत रही थी। नहीं प्लीज मुझे बोलने दो, इतना सब कुछ कहा मैंने तुम्हें। आई होप तुम समझ सको मैंने ये सब कहा क्यों। रिया के एक्सीडेंट के बारे में सुनने के बाद मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। जो कोई कुछ भी बोल रहा था मुझे सब सच लग रहा था, लेकिन सही तुम थी। तुम्हारी कही हर बात सही थी और तुम्हारी मॉम शी इज द बेस्ट। उसने बहुत अच्छे संस्कार दिए तुम्हें। फेल वो नहीं हुई है, फेल मैं हुआ हूँ। मैं अपनी बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दे पाया। काश मेरी बेटी तुम्हारी माँ से कुछ सीख पाती। नहीं सर प्लीज ऐसा मत कहिए, आप एक बहुत अच्छे फादर हैं। मैंने कहा था ना आपसे, यू वर्ल्ड्स बेस्ट फादर। जो बातें आपने अपनी बेटी को सिखाई है ना वो अच्छी ही होंगी। और देखना एक दिन आपकी सिखाई हुई बातें आपके सामने होंगी, उस दिन आप बहुत प्राउड फील करेंगे। रिया बहुत लकी है जो उसे आप जैसे फादर मिले। जितना प्यार आप उससे करते हैं उतना प्यार कोई अपने बच्चों से नहीं करता सर। सो प्लीज ये सब सोचना बंद कर दीजिए, दिल से निकाल दीजिए ये सारी बातें। बिकॉज यू आर द बेस्ट, आई होप यू नो दैट। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबोदाना मेरा हाथ तेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। माफ किया, लेकिन इस माफी का तभी फायदा है अगर इस सब से तुम कुछ सीखो। नहीं सीखोगे ना ये सब बेकार है। रोना बंद करो और एक बात याद रखना कि बेटियों का अच्छा होने के लिए माँ का साथ होना जरूरी नहीं है। बेटियां अपनी माँ की ही परछाई होती, तो तुम अगर गलत करोगे तो तुम्हारी माँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। कुछ भी करो उससे पहले ये सोच कर देख लेना कि माँ आसपास है, देख रही है, उस पे क्या गुजरेगी। माँ का तो पता नहीं, काश
आप मेरे को पहले मिली होती तो ये थप्पड़ मुझे बहुत पहले पड़ जाता। जब मुझे डैड थप्पड़ मारते मुझे बहुत बुरा लगता है। आपने थप्पड़ मारा मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अब मैं कभी दोबारा गलती करूं आप मुझे थप्पड़ मार देना प्लीज दोबारा करने लगा। मैंने तुम पे चिल्लाया उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता। माफ करोगी ना मुझे? सॉरी डॉ, I know you're sorry, but I'm sorry as well. I'm sorry, मैंने तुमसे बात नहीं की, तुम्हें कुछ समझाया नहीं, बस सीधे डांट दिया। मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा। कम से कम ये तो पूछना चाहिए था कि तुमने ऐसा किया क्यों? मुझे लगा कि हम दोनों के बीच में गैप बहुत आ रहा है और आप उससे ज्यादा उस प्राची से प्यार करते हो और मैंने सिर्फ आपकी अटेंशन लेने के लिए सब किया। I really don't like प्राची। जब से वो आए आप सिर्फ उसकी बातें करते हो, उसकी तारीफ करते हो, उससे प्यार करते हो और आप मुझे भूल गए। सीरा मेरी जान हो, यूर माई लाइफ। तुम जानती हो ना तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। नो वन कैन। प्राची इज अ स्वीट गर्ल, तुम्हारी बहन जैसी है वो। बहन तो नहीं है ना। I know, but listen to me now. If you want my undivided attention, you should have no hard feelings for Prachi. तुम जाओ उससे बात करो, talk to her, say sorry to her. मैं कैब में भी गई थी उसके टेंट पे, but जब मैं वहाँ पहुँची तो उसकी मॉम थी और मैंने उसकी मॉम से सॉरी बोल दिया। मुझे पता चला है कि तुम्हारे कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स इसी फार्म हाउस में हैं। I'm sure प्राची भी यही होंगी। If you want, मैं जाकर पता लगा सकता हूँ वो कौन से कमरे में। नहीं, मैं वो पता लगा दूंगी। Hey, stop crying. It's okay. Talk to her. Dad. It's okay. Really mean a lot. मुझे लगा मुझसे बात नहीं करोगे, but मुझे बहुत बुरा लग रहा था। बातचीत करने से या तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती या पता चल जाता कि प्रॉब्लम थी नहीं। जैसे याद आया तो बात कर ली। कम ऑन हरिया, वो एक्चुअली मैंने प्राची को जाते हुए देखा तो मुझे लगा आप भी यही हो, मैं आपसे मिलने आ गई। वाओ, अंदर क्या हुआ? मैं सॉरी बोलने आई थी। सॉरी तो तुम बोल चुके हो ना। नहीं, डैड ने बोला है कि मुझे प्राची से भी माफी मांगनी चाहिए। जितनी जरूरी आपकी माफी है उतनी ही जरूरी प्राची की भी। सो मैं चाहती हूँ कि वो मुझे माफ कर दे। माय डैड बिल्कुल ठीक कह रहे कि अंदर आओ, बाहर से माफी मांगूंगी। और तुम माफी मांगोगी ना तो ये तुम दोनों के बीच का झगड़ा है ना वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। प्राची, प्रिया तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। इधर आ। प्रिया, कहना ना तुम्हें कुछ प्राची से। नहीं, मैं बस आपसे मिलने आई थी। डैड को अच्छा लगेगा। शी इज राइट, मैं यहाँ तुमसे बात करने आई थी। तुम मुझसे बात करने नहीं आई थी, मेरी माँ से बात करने आई थी। अब उन्होंने कहा तो तुम मुझसे बात कर रही। राची, अच्छा ठीक, क्या बात करनी?
आई वॉन्टेड टू से आई एम सॉरी. जो भी हम दोनों के बीच हुआ, आई मीन जो भी मैंने किया तुम्हारे साथ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी. आई होप तुम मुझे माफ कर दो. आई थिंक आई शुड गो. आई एम रियली सॉरी प्राची. क्या था ये? आपके सामने अच्छाई का नाटक कर रही है और कुछ नहीं. और तू क्या कर रही थी? वो सॉरी बोलने आई थी ना, मैंने सॉरी सुना, हो गया. वो सॉरी बोल रही थी, तू उसे एटीट्यूड दे रही थी. हाँ, जब कोई सॉरी बोलता है ना तो उसे फील करता है, मन से बोलता है. कि अपने डैड के कहने पे आई थी. उसके डैड ने बताया तुझे? मैं जानती हूँ उसे. सुन ना, तू जान तू नहीं जानती है, वो उधर कैंप में तुझसे सॉरी कहने आई थी. तू मिली नहीं, मैं दिख गई तो उसने मुझसे कह दिया. यहाँ पे आके उसे पता चला तू यहाँ है, सबसे पहले आके उसने तुझसे माफी मांगी है. मिस्टर मेहरा, देखो ना मेरा आंटी, डैड को कितना फीवर हो रहा है, तरने का नाम ही नहीं ले रहा. राजी की मॉम आइस क्यूब्स लाई थी. सॉरी फॉर द ट्रबल. लाइए, आई टेक इट फ्रॉम यू. टेक केयर. थैंक यू. अंदर मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा था? ये कनेक्शन क्यों? फीवर थोड़ा कम हो रहा है. अरे तुम्हें कैसे पता हम लोग हैं? मैं कैंप गई थी, वहाँ पर जब गई थी तो सब पैकअप हो चुका था. एक वर्कर था जिसने बताया सब फार्म हाउस गए हैं. इसकी इतनी टेंशन थी, मुझे भागी भागी चली आई. आई एम सो हैप्पी और ओके. तुम्हें पता नहीं मैं कितनी टेंशन में थी. चलो अच्छा है, बारिश भी बंद हो गई. आई होप कल कोई रास्ता खुल जाए तो हम घर जा सकेंगे, क्योंकि परसों हमारी कंपनी को 5 साल पूरे होने में एक एल्बम लॉन्च हो रहा है, जिसका अभी को बेसब्री से इंतजार था. और अभी का उस एल्बम लॉन्च में रहना बहुत जरूरी है. आई बुक अ रूम फॉर यू. नो नो नो, आई जस्ट होप फीवर बड़े ना कम हुआ है. आई थिंक आई स्टे इन दिस रूम. तो मैं भी आपके साथ रुक जाती हूँ. ओके बेबी. आप लोग दोनों साथ में रहोगे अभी के तो मुझे भी टेंशन नहीं होगी. सी यू देन. गुड नाइट. गुड नाइट. मीरा यहां आ गई. शायद उसे रिया के बारे में पता ही नहीं है कि उसने किया क्या है. Oh,
यार। How are you feeling? Fine. तुम ठीक नहीं लग रही। I'm fine now, okay? Don't worry about me. Get back to sleep. कितना समझाया खुद को कि वो यहाँ आसपास नहीं है, फिर क्यों दिल बार बार उन्हीं को ढूंढ रहा है? क्यों इन आँखों को उन्हीं की झलक दिखाई देती? वो सिर्फ मेरे दिल में है, मेरे साथ नहीं। आज प्रज्ञा की इतनी याद क्यों आ रही? क्यों ऐसे लग रहा है जैसे वो मेरे आसपास है? वो सिर्फ मेरे दिल में है, मेरे साथ नहीं।